हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरु पर्व पर देश के नाम संबोधन में पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर बीते एक वर्ष चल तीन कृषि कानूनों के बिल वापस की मांग को लेकर एक वर्ष से अधिक हाईवे 48 बंद होने से आमजन परेशानी हो रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में पहली बार अध्यादेश के रूप में लाए गए सभी तीन किसान विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक काले कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले की घोषणा की है। मोदी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर यह घोषणा करने का निर्णय लिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस फैसले का स्वागत किया है और शाहजहांपुर बॉर्डर पर उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने तक इंतजार करने को कहा है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत में एक वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत होगी, जिसको लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर किसान आंदोलन कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाते हुए बॉर्डर पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती मना रहे हैं। घर घर मिलेगा, किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, सही दाम मिलेगा, हमें इलाज मिलेगा, सबको इलाज मिलेगा, क्या हमें शिक्षा मिलेगी, सब मोदी ने किसान बिल को रद्द करने की बात कही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एक साल होने जा रहा है और काले कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, इसके लिए तो संयुक्त मोर्चा उनको बधाई देता है, स्वागत करता है इस बात के लिए। लेकिन जो आज नुकसान हो रहा है, MSP जिन 23 फसलों की है उनकी खरीद नहीं हो रही है और बाजरे में 1,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से नुकसान हो रहा है, जो धान है उसमें नुकसान हो रहा है, बाकी चीज़ों में नुकसान हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से काले कानून बड़े जद्दोजहद के बाद एक साल के बाद में वापस लिए हैं, लेकिन MSP की गारंटी जो आज नुकसान हो रहा है उसके लिए निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। क्या ये मोदी जी